सो फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि एक स्टोरी आप लोगों को शेयर करनी है। ये आधा इंडियन है और आधा क्या आज है क्या सिंगिंग डांसिंग वंस अगेन मोहम्मद फिरोज खान इज हियर। सो फ्रेंड्स आज फ्राइडे और आज हम जाने वाले हैं सालमिया। सालमिया में एक म्यूजिक इवेंट है, पूजा जी ने हमें वहां पर इनवाइट किया है और सालमिया में ही एक फैमिली है तो वो मेरे सब्सक्राइबर है तो वो हमसे मिलना चाहते हैं तो हमने बोला ठीक है हम सालमिया आ रहे हैं तो आपसे मिल लेंगे। तो उनके बारे में एक शानदार सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। यूट्यूब ने हमें मेल किया कि फिरोज आप अपना टाइमिंग चेंज करो तो इसीलिए हमने वीडियो की टाइमिंग चेंज कर ली है। मजाक कर रहा है यार, इसका रीज़न क्या है वीडियो की टाइमिंग चेंज करने का मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी बस आ रहे हैं। ओके फाइनली उतर गया बस से। अब यहाँ से हमें 15 नंबर बस पकड़ना पड़ेगा सालमिया जाने के लिए। कुवैत में मुझे जहाँ भी अगर जाना है तो अमगारा से 103 या 11 नंबर बस पकड़ के मैं कुवैत सिटी आता हूँ, उसके बाद कुवैत सिटी आकर के बस चेंज करता हूँ। तो बहुत अंदर हमारी कंपनी ने हमें ले जाके छोड़ दिया है और यहाँ पर कितनी पब्लिक है यार, कितनी पब्लिक के बीच में ब्लॉगिंग करते हुए मोहम्मद फिरोज खान थोड़ा अकेला हूँ, ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, कोई साथ में रहता तो अच्छा लगता है। तो 15 नंबर बस पकड़ते हैं सालमिया जाते हैं। ओके चलिए सालमिया। वाओ पूरी बस खाली है यार, चलो ठीक है मिला तो फ्रंट सीट। डबल डेकर बस में फ्रंट सीट पे अगर ना बैठे तो फिर मजा नहीं आता है, क्यों फ्रेंड्स सही बोला ना। तो आराम से बैठ जाते हैं और ये रहा टिकट और ये रहा व्यू। ओके तो आप लोगों से कुछ कहना है यार, आप लोग देख रहे होंगे टाइमिंग, वीडियो का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है MFK का। पहले सुबह के टाइम आता था अब शाम के टाइम आता है, तो इसका रीज़न ये है कि हमने अपने YT स्टूडियो में देखा एनालिटिक्स में सो हमारे MFKs ज़्यादातर शाम को ही एक्टिव रहते हैं तो इसीलिए हमने सोचा कि शाम के टाइम वीडियो अपलोड करेंगे तो अच्छे व्यूज़ आएंगे, सुबह के टाइम थोड़े कम व्यूज़ आते थे। और वैसे यार व्यूज़ बहुत डाउन हो गए यार, 61K सब्सक्राइबर्स और 3K 4K 5K व्यूज़, अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा यार मेहनत का फल बाकी व्यू। ओके सो फाइनली मैं सालमिया पहुंच गया। सो सबसे पहले हम उस फैमिली से मिलेंगे जो हमसे मिलना चाहते थे, तो उनसे मिल करके उसके बाद पूजा जी को कॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग म्यूजिक इवेंट में चलेंगे। सो राइट नाउ अभी मैं जा रहा हूँ मैकडोनल्ड में, तो चलते हैं मैकडोनल्ड में और उनसे मिलते हैं, उसके बाद बने रहिए ब्लॉग में, आगे देखिए क्या होता है। यो कैसे है? बढ़िया ब्लॉगिंग कर रहे हो? ओके चलिए यही है वो। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है नरेश। नरेश मेरा नाम नरेश नायक है, मेरी वाइफ का नाम है पमेला। ओके शी इज फिलिपिना एंड मेरी बच्ची है छोटी सी, उसका नाम है प्रिंसेस और छोटा सा लड़का भी है उसका नाम है प्रिंस। तो जिस दिन इनकी इनका मीटअप था कुवैत में तो उसी दिन मुझे बेटा ये हुआ। क्या मतलब इनकी वाइफ प्रेगनेंट थी उसी दिन डेट मिल गया इनको, हॉस्पिटल जाना पड़ा, नहीं तो ये मीटअप वाले ब्लॉग में आए होते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए आज हम लोग मिल रहे हैं। तो मुझे सालमिया आना था तो मैं आया, तो मैंने इनसे बोला कि ठीक है हम लोग मिल लेंगे सालमिया में, तो अभी चलते हैं बैठते हैं, उसके बाद खूब सारी बातें करते हैं और आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करते हैं इनके बारे में। ठीक है आइए इनसाइड। हाय 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 हाउ आर यू, यू वॉच माय ब्लॉग्स? Yeah, okay.
शेयर कर, मतलब टीवी पे देखते हैं, अच्छा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, प्रिंसेस, वाओ प्रिंसेस नरेश, से हाय, हाय। आपके व्लॉग चैनल का नाम क्या है? टीम नाइट व्लॉग, टीम नाइट व्लॉग 01 लिखा है। ओके, और ये इनकी वाइफ, व्हाट्स योर नेम? हाय, माय नेम इज पामेला। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम फिलीपींस। एंड यू? आई एम फ्रॉम इंडिया सर। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक स्टोरी आप लोगों को शेयर करनी है। सो ये है फिलीपींस से और ये भाई इंडिया से, गोवा से। तो ये दोनों लोग मिलकर के यहाँ पर कुवैत में मैरिज किए, शादी किए। सो इस बात से मुझे मतलब काफी अच्छा लगा। सो हम लोग 3-4 दिन पहले डिसाइड किए थे ना मिलने का, ये उस दिन अगर आए होते मीटअप वाले ब्लॉग में तो काफी अच्छा रहता। मैम प्रेग्नेंट थी तो कोई बात नहीं, चलो आज मिल लिए, बाकी मिलते रहेंगे आगे। सो बात कर लेते हैं इनसे, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ओके, भाई इंडिया से, ये फिलीपींस से और ये मिक्सर है, ये आधा इंडियन है और आधा फिलीपींस। आई वांट टू आस्क यू समथिंग, यू नो हिंदी लैंग्वेज? ये देखो इसको, से समथिंग इन हिंदी। आई नो जस्ट अ लिटिल बिट, किसा है, कैसा है, से कैसे हो, वाओ, प्रिंसेस को हिंदी बात में, मैम को हिंदी नहीं बात में। रिक्वेस्ट करो मैं आप लोगों से, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। भाई को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। ओके प्रिंसेस, बाय क्यूटी, बाय बाय बाय। ये खाने के चक्कर में पड़ी है। ओके ओके, सो राइट नाउ अभी मैं निकल रहा हूँ मैकडोनल्ड से। बहुत ही अच्छा लगा यार मिलके इस फैमिली से, क्यूट, वेरी 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 क्यूट फैमिली। सो प्लीज सपोर्ट कीजिए आप लोग भी उनको। और अभी राइट नाउ मैं हूँ, ये सालमिया प्लेस और सामग्राम, क्या खूबसूरत लग रहा है, पब्लिक यहाँ पर इंजॉय कर रही है। ये प्लेस बहुत ही अच्छा है। तो फिर अभी अपने को जाना है पीजी के पास, पूजा जी कॉल कर चुके हैं, वो आ रही है मुझे पिक करने के लिए, तो फिर चलते हैं। ओके, लेट हो रहा है। ओके ओके, सो हियर इज पीजी, हाय, हाउ आर यू? ब्लॉग चालू है, स्टार्ट है, प्रारंभ है। क्या आज है, क्या सिंगिंग, डांसिंग, डांसिंग, ये लाइट कैसे चलेगा, डांसिंग और एंटरटेनमेंट। ओके, सो कहाँ पे जाने वाले हैं हम लोग? बैक साइड रशीद हॉस्पिटल, तो फिर चलते हैं। ओके ओके, तो राइट नाउ अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है उसके नीचे, तो देखते हैं क्या है, म्यूजिक कॉम्पिटिशन है कि इवेंट है, पीजी हमें इन्वाइट किए हैं, तो फिर चलते हैं। आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ पे पीजी। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं सिंगिंग एंड डांसिंग इवेंट में। ये हमारे बगल में बैठी है पूजा जी और यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, तो जो बोलना है आपको माइक में बोलना पड़ेगा। क्या बोल रही है, क्या कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, क्या बोलो, क्या बोलो, अभी के पान बनारस वाला, I'm not afraid to die.
फोकस। एक छोटा सा ब्रेक लिया गया है यहाँ पे यार, कई बड़े बड़े टिकटॉकर्स आए हैं जिनके 200K 100K फॉलोअर्स हैं। ओके, तो अभी मैं जा रहा हूँ और पूजा जी का जो परफॉर्मेंस था यार, गजब था यार, सुपर से ऊपर डांस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा?